Hello guys, my winter vacations have started and we are here at Borivali station to go to the Statue of Unity. So come, let's board our train. Dadar Kevadia Express starts from Dadar at 11:50 p.m. and I boarded it from Borivali at 12:10 a.m. We are almost reaching Kevadia station and it is around 7:15 in the morning. So let's go. As soon as we get down at the Kevadia station, we will be getting free bus facilities which will take us to the SOU bus stand, from where the buses will take us to all the visiting points in the SOU premises. As ours is a one-day trip, we will be keeping our bags in the locker room at the SOU bus stop, which is pretty safe. For those who plan to take their own vehicles, have to park their cars and bikes near the Kevadia station, as they are not allowed to drive their own vehicles in the SOU premises. So guys, we have arrived here at Kevadia station. We will be covering Valley of Flower and Sardar Sarovar Dam in this episode. So let's go. So I am here at the Valley of Flowers and there are flowers from all around the world and they are very beautiful. So let's have a look. There is electric rickshaws in this Statue of Unity area, which is only driven by ladies. Such a true sign of women empowerment, right? So now we are at the Sardar Sarovar Dam. The dam isn't overflowing right now, but we saw some beautiful pictures of it overflowing in our gallery there. Let's go see it. डैम को पास से देखने का व्यू बना है, तो सरदार सरोवर डैम जो बना है तो माउंटेन के बीच में, तो हम खड़े ये माउंटेन रेंज है विंध्याचल और रिवर के सामने की रेंज सतपुरा है। तो सतपुरा रेंज में 6 किलोमीटर आगे जाने पर महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है और हम खड़े यहाँ से 45 किलोमीटर आगे MP बॉर्डर है। तो नर्मदा जी MP से आ रही है। तो ये जो डैम बनने से ऊपर के हिस्से में जो स्टोरेज वाटर है जो है सरदार सरोवर, तो अभी के वक्त में 127 मीटर समथिंग वाटर लेवल है और मैक्सिमम लेवल 138 मीटर फुल होने पर पीछे का एरिया कवर करेगा 214 किलोमीटर, यानी कि 335 TMC का ये डैम है, 95,000 करोड़ लीटर। और वही पानी का जब बारिश ज्यादा होने पर फ्लो होता है
तो ऊपर में आपको व्हाइट पियर्स के बीच ब्लैक पोर्शन में गेट्स दिख रहे हैं। तो उसके पहले जो चल रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो हाइट का ही प्रॉब्लम, तो ओनली फॉर गेट ही लगा है 2014 में, और गेट रखने के बाद ऊपर फाइनली ब्रिज तैयार हुआ है। तो यानी कि डैम की जो हाइट है बेस लेवल से 163 मीटर एंड सी लेवल से 146 मीटर हाइट है, और गेट्स बारिश में होने पर गेट्स ओपन करेंगे तो 30 गेट्स है, तो एक गेट से 1 लाख क्यूसेक्स तो 30 गेट है, 30 लाख क्यूसेक पानी गिरेगा, तो वो पूरा पानी जाएगा आगे डाउन में और अरबेन से में। और अभी वही पानी का यूज हो रहा है यहाँ पे बिजली बनाने के लिए। तो सामने आपको यहाँ पे बाहर के समय का रेड बिल्डिंग दिखेगा, और रेड बिल्डिंग से नीचे 350 फीट डाउन में बना है रिवर बेड पावर प्लांट, और जिसके अंदर 200 मेगावाट के 6 टर्बाइन है। तो टर्बाइन को इंपोर्ट किया था जापान से, तोशिबा हिताची कंपनी की टर्बाइन से। तो टर्बाइन लोकेशन -11 मीटर डाउन एंड बैकसाइड एरिया स्टोरेज वाटर। तो डैम का ये जो वॉल दिख रहा है जो नॉन ओवरफ्लो सेक्शन है उसी के अंदर 110 मीटर है पे 6 पेनस्टॉक लगाए। तो पेनस्टॉक के थ्रू वाटर टर्बाइन के ऊपर रिलीज होगा 350 फीट डाउन में, और टर्बाइन को रोटेट करेगा 136 आरपीएम, और पानी को यहाँ पे आगे के हिस्से में कलेक्शन पूल बना है वहाँ पे स्टोरेज रखा जाता है, और हमारे नीचे 3 टनल्स है जिसके थ्रू वाटर नर्मदा रिवर में जा रहा है। तो वही पानी का फ्यूचर प्लानिंग है कि आगे 12 किलो डाउन स्ट्रीम में वही एक चेकडैम बन रहा है, उसी का बैक वाटर यहाँ तक आ चुका है, और वही पानी के अंदर अभी एकता क्रूज और वही पानी का टर्बाइन का एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वही पानी का फिर से रिसाइकलिंग होगा। और यही डैम के ऊपर के हिस्से में सेकंड पावर हाउस बना है केनाल हेड पावर हाउस, और जिसके अंदर 250 मेगावाट बिजली बनती है, और वही पानी का सप्लाई होगा डैम से राइट साइड में 4 रॉकफिल डैम बनाए गए गोटबल गेट और नर्मदा केनाल है। तो केनाल का कैपेसिटी 40,000 क्यूसेक्स, और वही पानी को विदाउट पंपिंग पहुंचाया गया सौराष्ट्र में मारिया तक, और लिफ्ट करके पानी कदभुत में दिया है। तो गुजरात में नेटवर्क रहेगा 458 किलोमीटर का और 74 किलोमीटर केनाल इन राजस्थान। तो यही केनाल से गुजरात में 18 लाख हेक्टर, 75,000 हेक्टर राजस्थान और 37,000 हेक्टर महाराष्ट्र लिफ्ट इरिगेशन, जबकि बिजली का सप्लाई होगा गुजरात में 16%, 27% महाराष्ट्र और 17% एमपी को है। और यही डैम जो बना है कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, यानी कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डैम। तो फर्स्ट डैम बना यूएस में हूवर डैम है, 80 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल यूज, और ये डैम के अंदर 73 लाख, यानी सीमेंट कॉन्क्रीट जो बनाया जाता था पानी की जगह आइस के अंदर, और वही मटेरियल को 13.4 सेंटीग्रेड मटेरियल को लो करने के बाद उसका यूज किया गया है। तो फास्ट वर्किंग के लिए यहाँ पे रखा है रोपवे। तो सामने आपको दो टावर दिख रहे हैं ए शेप में लगे दोनों साइड में है, और बीच में दो केबल क्रेन। तो यही केबल क्रेन को 1988 में जर्मनी से इंपोर्ट किया था। क्रेन का कैरी कैपेसिटी 28 टन लोड उठाना, और बीच में जो केबल लगा है उसका डाया 4 इंच डाया एंड 1567 मीटर विदाउट जॉइंट केबल है। तो 28 टन कैरी करने पर दोनों साइड पे लगे जो टावर है मूवेबल है 400 फीट खुद के बैलेंस के लिए। तो मटेरियल यूज में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट डैम बना यूएस में हूवर डैम है, 80 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल यूज, और ये डैम के अंदर 73 लाख यानी 300 करोड़ सीमेंट बैग्स और 1 लाख टन लोहा गया है। और यही डैम बनाने का जो विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने दिया था इन 1946 में, और 1961 में डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा जो यहाँ से 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम नवागांव के पास, बट लो हाइट के कारण डैम का रिलोकेट किया। तो रिस्टार्ट वर्क इन 1979 और 2017 में इनॉग्रेशन मोदी साहब ने किया है। और आप सभी के लिए नेक्स्ट स्टैंड रहेगा वैली ऑफ फ्लावर्स जो 1.5 किलोमीटर है, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जो बनी है व्यूइंग गैलरी, वहीं पे जाने पर ये डैम और ऊपर का स्टोरेज वहीं से दिखेगा। तो आप सभी का हैप्पी जर्नी, जय हिंद जय भारत। There is a mini theater here which shows a short video on the idea and construction of the Sardar Sarovar Dam. It is very interesting. Please do come here. In Sanskrit words, giver of pleasure. At the Ironman of India, Sardar Patel dreamed of transforming India's fifth largest river that flows entirely within the country into a giver of life.
In 1946, Sardar Patel envisioned a multi-state, multi-purpose hydro project to harness the benefits of the Narmada to irrigate 75% of the water-stressed land around the river and bring light to the power-deficient areas of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. His long-cherished dream, the Sardar Sarovar Dam, is the second largest concrete gravity dam in the world and the third highest in India, rising to a height of 163 meters from the deepest foundation level. Its foundations were laid in April 1961 by India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, and it was dedicated to the nation in September 2017 by Prime Minister Sri Narendra Modi. Sri Narendra Modi's commitment to the building of the Sardar Sarovar Dam and consequently benefiting people goes back to the time when he was the Chief Minister of Gujarat. He undertook a fast continuously for 51 hours starting April 16, 2006 to protest the erstwhile central government stand on the Sardar Sarovar Dam height issue. As the then Chief Minister of Gujarat, Shri Modi was in favor of increasing the dam height so that more people in the water-stressed areas of Gujarat and its neighboring states would be benefited. The project was finally completed nearly 60 years after its foundation stone was laid, thanks to Shri Modi's driving force. Today, it is an engineering marvel, and the dam stands tall as a triumph over geological fault lines, river diversions, and water shortages. 256,000 cubic meters of pre-cooled concrete and 53,000 tons of reinforced steel were required to block the fault line running under the dam's foundation. The concrete used to build the dam, 6.8 million cubic meters, is enough to make a road that circles the world twice. The life storage capacity of the dam is 5,860 mcm. The main canal can store 220 mcm of water at full supply levels, enough to satisfy the needs of a big city like Ahmedabad for an entire year. It takes a whisper of the earth to change the course of rivers. No dam is immune to this. To secure against seismic effects, the layers of rock surrounding the dam were treated to withstand earthquakes. This is necessary for dams like the Sardar Sarovar Dam, which rely upon their immense bulk and strength to contain water and release it slowly. The Sardar Sarovar project was built by Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited, with a mission statement and a commitment of harvesting the untapped waters of the Narmada for the survival of millions of people and environmentally sound and sustainable development of Western India by providing the essence of life, water and energy. The marvel of the Sardar Sarovar project, however, extends past the dam. The main artery of the dam is the Narmada Main Canal, which is the world's largest lined irrigation canal, measuring 458 kilometers in length and having a discharge capacity of 40,000 cubic feet per second, which distributes water to Gujarat and Rajasthan. Water flows through an unmatched 71,748 kilometer long canal network, a distance 57 times the length of the Narmada. The project is designed for the regional transfer of water, annually 11.7 billion cubic meters, to the water-stressed areas in and around Gujarat at distances over 750 kilometers. Few Indian dams can rival the power output of Sardar Sarovar Dam. The dam's hydroelectric plant harness power by guiding water falling from its gates through gigantic
which coupled with generators produce alternating current. Half from the dam lights up households and powers industries across Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. The Sardar Sarovar Dam churns out a staggering 1,450 megawatts of electricity. This equals 1 billion kilowatt per year. The Sardar Sarovar project does a lot more than delivering power to the people. Today, it is the lifeline for 29 million people across 9,633 villages and 131 towns who no longer have to walk long distances for drinking water. 1 million farmers breathe in relief with the Sardar Sarovar project, providing irrigation to 1.8 million hectares within Gujarat alone. Truly, the transformation from the giver of pleasure to the giver of life is complete. Guys, this is all from Sardar Sarovar Dam. Hope you like my video. In the next part, we will be covering Jungle Safari and Statue of Unity. So stay tuned till then. Thank you.